मेरे प्यारे बच्चों, आज हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की सहायता से हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई एसिड है या कोई बेस है, उसके बारे में हम पता करेंगे कि ये चीज़ एसिडिक है या फिर ये चीज़ बेसिक इन सॉल्यूशन है। इस चीज़ को हम अभी चेक करेंगे। तो इसमें हमारे पास, हमने एक कंटेनर में एसिड ले रखा है और एक के अंदर, एक कंटेनर में एसिड ले रखा है और एक में बेस ले रखा है। ये हमारा मिथाइल ऑरेंज है जो कि नॉर्मली ऑरेंज इन कलर होता है, लगभग ऑरेंज कलर का ही, डार्क रेडिश कलर अपीयरेंस आ रहा है इसका, लेकिन ऑरेंज कलर है, इसलिए मिथाइल ऑरेंज वैसे ओरिजिनली ऑरेंज कलर का होता है। और अब देखते हैं कि ये एसिड में कैसा कलर दिखाएगा और बेस में कैसा कलर दिखाएगा। पहले मैं थोड़ा सा मिथाइल ऑरेंज लेता हूँ। ये मैंने मिथाइल ऑरेंज ले लिया है और ये मैंने पहले कंटेनर में डाला, तो देखते हैं कैसा कलर दिखाता है ये। तो ये इसने रेडिश अपीयरेंस दिखाया, यानी कि इसके अंदर हमारे पास क्या चीज है, एसिड है। अब हम दूसरे कंटेनर में डाल के देखते हैं, दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाल के देखते हैं इसको। तो दूसरी टेस्ट ट्यूब में कैसे दिखाते हैं, किस तरह कलर लेके आता है वो देखते हैं। तो जैसे मैंने इसको इसके अंदर डाला तो इसने येलो कलर दिखाया, यानी कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास जो है वो बेस है और उसमें रेड है। ये देखिए, रेड कलर एसिड के अंदर, यानी कि इसके अंदर एसिड है, और येलो कलर इसके अंदर, यानी कि इसमें बेस है। तो इस तरह से हम मिथाइल ऑरेंज की सहायता से ये पता लगा लेते हैं कि कोई भी केमिकल जो गिवन है हमको, वो एसिडिक है या फिर बेसिक इन नेचर है। एसिड के अंदर ये रेड कलर देता है और बेस के अंदर ये येलो कलर देता है, जैसे कि अभी आपके सामने है। थैंक यू बेटा।